श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील के खुटका गांव के आदिवासी और विजयपुर विधायक पहुंचे श्योपुर कलेक्टर के यहां और वन अधिकारी पर लगाए जमीन नहीं जोतने देने और परेशान करने एवं बेदखल करने के आरोप। साथ ही विधायक सीताराम आदिवासी ने पूरे प्रदेश में वन विभाग की ऐसी ही स्थिति होने के आरोप भी लगाए। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा से विधायक सीताराम आदिवासी वन अधिकार पट्टू की शिकायत लेकर खुटका गांव के आदिवासियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और यहां आरोप लगाया कि श्योपुर वन विभाग के अधिकारी हमारे आदिवासी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। पिछले 50 साल से वहां पर यही लोग काबिज हैं, फिर भी उन्हें वहां से बेदखल किया जा रहा है। ग्रामीणों और विधायक ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इसी तरह चलता रहा तो इस बात को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों की पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। श्योपुर कलेक्टर ने मामले की जाँच कराकर पात्र लोगों को देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि जांच टीम बनी हुई है, जो भी इसमें छूट गए हैं उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे। खबर गति न्यूज़ के लिए वीरपुर से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। नहीं केराओं में नागदार वगैरह से सबन से केराओं में सुनी नहीं रहे, वो हालत हो रही है। आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार ने भी चलाई है योजना, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, तो इसके लिए आप सरकार ये गुमराह रेंज वाले गुमराह कर रहे हैं। तो आपने क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से भी की क्या? नहीं अभी तो नहीं कही है मुख्यमंत्री से, पट्टा तो चालू है बहुत सी जगह, बन भी रहे बहुत सी जगह, परेशान कर रहे हैं। और ये नहीं है, पूरा प्रदेश में हालत खराब है। कल मरेना सरकार होते हुए क्यों नहीं सुन, मरेना से भी लोग बाग आए तो वे भी परेशान है। कल मैंने मरेना भी फोन लगाया डीओ फोकले, तो मैं भी रेंजर परेशान कर रहे हैं। आपकी सरकार होते हुए भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा क्यों? नहीं सुनवाई तो हो रही है, कह रहा हमारी सरकार ने किया जो भी किया है जी। बाकी ठीक है, ये आदिवासी भी कुछ वही गांव में रह जाते, आते नहीं है, पूरी बात नहीं बताते हमें, इसलिए इन्हें परेशानी आई है। अब आज मैं आया हूँ उनके साथ में, तो आगे कार्रवाई चलेगी। आप अपनी सरकार में पावर में हो, विधायक हो, तो आपकी सरकार आपकी नहीं सुन रही तो कौन सुनेगा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काम कर रहे हैं हम, सरकार भी काम कर रही है बढ़िया, मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तोमर साहब कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाली ये है कि डरप जाते हैं गरीब लोग, नेक नाकदार धमका दे दी में भग जाते हैं। कुछ ग्रामवासी आए हैं जो विजयपुर तहसील के हैं, वनाधिकार पट्टों के लिए जो शासन की नीति है उसके मान से परीक्षण चल रहा है तीनों तहसीलों में सब, और अभी तक 204 वनाधिकार पट्टे स्वीकृत किए जा चुके हैं जिला स्तरीय समिति से, और इनका परीक्षण भी किया जा रहा है। शासन के जो गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं, उनके अनुसार ही जो पट्टे हैं, जो पूर्व में अस्वीकृत हो गए थे पट्टे, उनको स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। जिनको पात्रता आएगी उनको निश्चित रूप से पट्टे मिलेंगे, इसके लिए वनाधिकार के पट्टे मिलेंगे, और जिनको पात्रता नहीं आएगी उनको वनाधिकार के पट्टे मिलेंगे नहीं। अभी जो हमारे अधिकारी उनसे चर्चा के लिए गए थे, उन्होंने ये कहा है कि जब विस्थापन किया गया था आज से 50 साल पहले, तब इन लोग वहाँ से स्थान छोड़कर चले गए थे, और जो शासन की कट ऑफ डेट 2015 है उसके हिसाब से ये प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत नहीं होता कि इनके ये काबिज रहे होंगे। फिर भी इसकी जांच हमारे जो दल है, इसमें पटवारी रहता है, फॉरेस्ट का एक व्यक्ति रहता है और पंचायत का सचिव रहता है, ये दल मौके पर जाकर निरीक्षण करता है, और जिनको दावे की सत्यता की पुष्टि होगी उनको मिलेंगे। जैसे 204 मिल चुके हैं, अगली बैठक हमारी और होगी, उसमें भी जितने पट्टे आएंगे वो जिला समिति उसको निर्णय करेगी।